हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम बुक 2 कर रहे हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। यहाँ पर हम एक पार्ट अपना ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले का पार्ट देख चुके होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले उस चीज़ को, जो पार्ट 1 है हमारी प्लेलिस्ट में, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे हिमालयाज का, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। अब जो हम हिमालयाज देखा था हमने, तो हिमालयाज को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, दार्जिलिंग या सिक्किम, फिर अरुणाचल हिमालयाज, और लास्ट में हमारा था ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज में देखिए कि ये एक तरीके से कवर्ड है नेपाल हिमालयाज में, क्योंकि दार्जिलिंग या सिक्किम जो है आपका पड़ेगा किधर, अगर हम इसको मैप में देखने की कोशिश करें। तो जैसे ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक, और यहाँ पे कहीं नेपाल है, और नेपाल के इधर ही हमारा कौन सा, ये सिक्किम दार्जिलिंग एरिया होता है। तो नेपाल के जो हिमालयाज हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं हमारे सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज को। ये बहुत स्मॉल है, मतलब कंपैरेटिवली स्मॉल है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमालयाज में है। क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। एक फास्ट फ्लोइंग रिवर्स का नाम है यहाँ पे तीस्ता, टिस्टा, तीस्ता, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। उसके अलावा जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, कंचनजंगा या कंचनगिरी, वो भी यहाँ पर है। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कंचनजंगा का हाइट कितना है। अब हायर जो रीजन है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लेप्चा ट्राइब्स हैं। जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या है, दार्जिलिंग हिमालयाज है, वहाँ पे नेपाली, बंगालीज और सेंट्रल इंडिया के भी जो ट्राइबल्स हैं उन सब की पॉपुलेशन यहाँ पर है। अब ब्रिटिश ने इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया था। कैसे एडवांटेज लिया था, क्योंकि यहाँ पे वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, जिसकी वजह से टी प्लांटेशन जो है, टी प्लांटेशन के लिए ये जगह बहुत ही बढ़िया है। तो इन्होंने क्या सोचा था कि यहाँ पे हम बढ़िया टी प्लांट करवाएंगे। और आज भी आप ये देखिए, वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइट्स जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हमारा टी का प्लांटेशन होता है। अदर सेक्शन ऑफ हिमालयाज की बात करें, तो अगर हम दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज और अरुणाचल हिमालयाज को एक साथ लेते हैं, तो ये एक तरीके से जो शिवालिक फॉर्मेशन हुआ है उसके, अगर हम कॉन्सपिगस की बात करें, जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें कि दीज अलॉन्ग विद अरुणाचल हिमालयाज आर कॉन्सपिक्यूअस बाय द एब्सेंस ऑफ शिवालिक फॉर्मेशन इन द प्लेस शिवालिक हेयर देयर आर डुअर फॉर्मेशन। अब जो पुराने हमारे हिमालयाज थे वहाँ पे शिवालिक रेंज थी, जो शिवालिक एरियाज थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, शिवालिक फॉर्मेशन नहीं है। जो ये हमारे इधर वाले हिमालयाज हैं, यहाँ पर क्या है, डुअर फॉर्मेशन, DUAR, डुअर फॉर्मेशन। और डुअर फॉर्मेशन इस टाइप का एरिया है जो कि डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस इन द सेंस, उस एरिया में आप आराम से टी जो है वो क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज वेल नोन है अपनी रिच फ्लोरा फौना। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड टर्म, और फौना एनिमल से रिलेटेड टर्म। और यहाँ पे ऑर्किड्स जो होते हैं, ऑर्किड्स फ्लावर बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्वेश्चन यहीं से ही आता है। नेक्स्ट है हमारे प्यारे से अरुणाचल हिमालयास। अब अरुणाचल हिमालयास के अंदर ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं, ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालयास अप टू द दीफू पास इन द ईस्ट। अब देखिए, ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक, तो ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे कहीं भूटान है। तो ये क्या कह रहे हैं, भूटान के ईस्ट साइड से, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट। तो ईस्ट हिमालय से दिम्फू पास जो ईस्ट में है, जो अरुणाचल के पास है, वहां तक इन्होंने ये वाला अरुणाचल हिमालयास पार्ट कवर कर रखा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स की बात करें तो कांगतू और नामचा बारवा। नामचा बारवा नाम बहुत बार आएगा, अगर आप 11th में है तब भी, या अगर आप किसी कंपटीशन की, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी, नामचा बारवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये डीप गॉर्जेस बनाती हैं। जैसे डीप गॉर्जेस का मतलब क्या है, बहुत ही बहाव से आएंगी ना, तो एक तरीके से गड्ढा टाइप बना देती हैं। अब ब्रह्मपुत्रा फ्लो होती है थ्रू डीप गॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बारवा। तो नामचा बारवा पे क्रॉस किया इन्होंने,
और वहाँ पे वो डीप गॉर्ज बनाती है। इम्पोर्टेंट रिवर्स कुछ और भी हैं जैसे कि कामेंग, सुबानशिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित। नाम याद रखिए, ये सारी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पेरेनियल है, पेरेनियल का मतलब क्या होती है, जो पूरे साल बहती हैं, एंड इनका रेट ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से बहती हैं ये, तो इनकी वजह से हम आराम से यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पोटेंशियल जो है कंट्री का बना सकते हैं। क्योंकि आप, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हाई एनर्जी से या हाई फ्लो ऑफ वाटर से इलेक्ट्रिसिटी का क्या लेना देना। तो दुनिया में कोई भी एनर्जी जो बनती है वो बनती है मूवमेंट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब जो ये फॉल है, अब एनर्जी जो बनेगी, एनर्जी से पहले एक टर्बाइन्स होती है जो मूव करती है, बहुत ही फास्ट स्पीड में मूव करती है। जितना तेज उसका मूवमेंट होगा उतना तेज वहां से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा। अब ये देखिए, कोई रिवर है या कोई भी चीज़ है, वो बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रही है, तो टर्बाइन भी क्या करेगी, धीरे धीरे मूव करेगी। टर्बाइन धीरे धीरे मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी आगे धीरे जाएगी। लेकिन कोई रिवर है जो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रही है, तो उसकी वजह से टर्बाइन भी बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। और अगर टर्बाइन बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से आगे जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो भी बहुत तेज़ी से जाएगी। समझ में आई बात? बस ये सिंपल सी चीज़ उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे इतनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं कुछ, जैसे ईस्ट में मोनपा है, अबोर है, मिशमी है, नाइशी है, नागाज हैं, और इनके जो कम्युनिटीज़ है ना, झूमिंग प्रैक्टिस करती है। झूमिंग क्या होता है? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होता है कि एक जगह आपने क्रॉपिंग करी, वहाँ से आपने सब चीज़ को काट दिया और वहाँ पे सब चीज़ आप बर्न कर देते हो। बर्न से क्या होता है कि वहाँ पे जो आपका ज़मीन है, ये सारी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी और वो अगले टाइम के लिए एकदम रेडी हो जाती हैं। तो रिच है ये रीजन बायोडाइवर्सिटी में। और उसके अलावा ड्यू टू रग्ड टोपोग्राफी, द इंटर वैली ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज आर नॉमिनल। रग्ड टोपोग्राफी का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एरिया है ना, बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज काफ़ी कम है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। अब तो खैर काफ़ी डेवलप हो गया है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। देखिए, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स का फोटो भी दे रखा है इन्होंने। वाओ, मैप्स आर वेरी ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल, इसको तो एकदम आप रट के रख लो। अगर आप किसी कंपटीशन के स्टूडेंट हो या 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तो गारो, खासी, जयंतिया, इतनी बार आपके जीवन में ये नाम रिपीट होने वाला है ना, कि बस क्या बताए कितनी बार रिपीट होने वाला है। सो ईस्टर्न हिमालयाज के बारे में पढ़ के अगर हम देखें, तो ये पार्ट है हिमालयन माउंटेन्स का ऑब्वियसली। और इनका जो अलाइनमेंट है वो कैसा है, नॉर्थ टू साउथ। जैसे कुछ कुछ तो ईस्ट टू वेस्ट फैले हुए हैं और कुछ नॉर्थ टू साउथ फैले हुए हैं, तो इनका अलाइनमेंट नॉर्थ टू साउथ वाला है। इनके लोकल नेम अलग अलग हैं, जैसे नॉर्थ में उनको पटकाई बम बोलते हैं, नागा हिल्स बोलते हैं, और जो मणिपुर हिल्स भी बोला जाता है। साउथ में इनको मीजो या लशाई हिल्स भी बोला जाता है। ये लो हिल्स होते हैं जिनके अंदर भी झूम कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। झूम कल्टीवेशन अभी हमने पुराना वाला देखा था, वही ये देखिए मीजो हिल्स का इन्होंने फोटो दे रखा है। कितना सुंदर फोटो है, इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, बट फिर भी बहुत अच्छा है। अब मोस्ट ऑफ द रेंजेस जो है वो सेपरेट हो रही हैं स्मॉल रिवर्स से। अब यहाँ पे ना एक बड़ी प्यारी सी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिवर आती है, बराक रिवर। बराक रिवर नाम याद रखिए, मणिपुर और मिजोरम में। याद कैसे रहेगा कि बराक ओबामा मनी लेके मीजो करने गए थे। बहुत ही वाहियात तरीका याद रखने का, बट ट्रस्ट में याद रहेगा। तो बराक ओबामा मनी लेके मीजो कर रहे थे। सो बराक इंपॉर्टेंट रिवर है मिजोरम की और मणिपुर की। फिजियोग्राफी क्या है इसका, बहुत ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे बहुत प्यारी सी एक लेक है, लोकटक लेक। लोकटक लेक, ये सेंटर में सराउंड हो रहे हैं माउंटेन चारों साइड से। मिजोरम को क्या बोला जाता है, मोलासेस बेसिन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवर जो अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है नागालैंड में, वो ट्रिब्यूटरी फॉर्म करती हैं ब्रह्मपुत्रा की। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है कहाँ से, ब्रह्मपुत्रा रिवर चाइना से आती है, चाइना से आती है, इंडिया में जाके ऐसे मुड़ जाती है वो। तो नॉर्थ ईस्ट का साइड है ये, अगर मान लो जी ये हमारा पूरा इंडिया है और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है,
तो ये इस टाइप से ब्रह्मपुत्र आएगी कि यहाँ ऐसे मुड़ जाती है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जो यहाँ पे नदियाँ हैं ना वो ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र की ही हैं। जो टू रिवर्स हैं मिजोरम और मणिपुर की, ये ट्रिब्यूटरीज हैं बराक रिवर की। ट्रिब्यूटरीज होती क्या है, एक नदी से जब अगर छोटी 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 जो नदियाँ निकल जाती है वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, या एक तरीके से जो नदी आके वो मिल भी जाती है। ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी दो टर्म्स होती हैं ट्रिब्यूटरीज में। बस अभी के लिए हम क्या याद रख सकते हैं कि एक ही नदी से जब बहुत सारी नदियाँ जा रही होती सो दो रिवर है मिजोरम और मणिपुर की, ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर की, वाइल इन टर्न जो ट्रिब्यूटरी है ऑफ मेघना है की है। अब जो बराक रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो मेघना रिवर की ट्रिब्यूटरी, यानी कि बराक रिवर जाके किस रिवर में मिल जाती होगी, मेघना रिवर में मिल जाती होगी। और जो रिवर है ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर की, ये ट्रिब्यूटरीज है चिडविन की, जो बाद में कहाँ पे मिल जाती है, इरावदी ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार की इरावदी एक रिवर होगी जहाँ पे जाके ये वाली रिवर्स मिल जाती होंगी। जो चैप्टर थ्री है हमारा वो पूरा रिवर्स का ही है, तो रिवर्स जो भी प्रॉब्लम है रिवर्स में आराम से उस चैप्टर में डिटेल में क्लियर हो जाएगी। ये फोटो दे रखा है लोकटक लेक का, बहुत ही प्यारा प्यारी जगह। अगर आप कभी जाएं, लॉकडाउन कभी खुले और हम वहाँ पे जा सकें, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब यहाँ पे नदन प्लेन्स की बात करें, तो नदन प्लेन्स एलुवियल डिपॉजिट से बनता है जो रिवर्स लाती है। एलुवियल सॉइल आपने सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स होती हैं। तो नदन प्लेन एरिया क्या है, जहाँ पे ना पहाड़ है ना कंकड़ पत्थर, ना कंकड़ पत्थर तो है ठीक है, प्लैट्यूज नहीं है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, मोस्टली वो सीधी जमीनें होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस इन सब से एरिया जो है यहाँ पे प्लेन हो गया है। ये लगभग 3200 किलोमीटर का एरिया है, ईस्ट से वेस्ट तक फैला हुआ है। एवरेज चौड़ाई कितनी है इसकी, विड्थ कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर, और मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, 1000 से 2000 मीटर तक, नॉर्थ टू साउथ। अब इसको हम तीन एरिया में डिवाइड कर सकते हैं, भाबर तराई एंड एलुवियल एलुवियल प्लेन्स। अच्छा ठीक है, अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ में बांट देते हैं तो सबसे ऊपर जो रीजन होता है वो होता है भाबर रीजन। भाबर के साउथ में आएगा तराई, और तराई के नीचे आता है जो हमारा एलुवियल। अब एलुवियल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है खादर, एक है खादर और एक है भंगर, या भंगार भांगर जो भी हम इसको बोलना चाहें। फिर से देखिए, सबसे ऊपर कौन, भाबर, उसके साउथ में तराई, तराई के नीचे एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, वो दो में डिवाइडेड होते हैं, खादर और भांगर में। ठीक, तो यही चीज़ उन्होंने दे रखी है। अब खादर और भांगर का क्या है कि एलुवियल दोनों ही एलुवियल है, खादर भी और भांगर भी, बट भांगर भंगार वर्ड से बना है, बना नहीं है हम याद रखने के लिए। और भंगार कैसा होता है, ओल्ड। तो भांगर सॉइल कैसी होती है, ओल्ड होती है, और खादर कैसी होती है, न्यू सॉइल से होती है। भाबर तराई एलुवियल प्लेन से, भाबर एक नैरो बेल्ट है 8 से 10 किलोमीटर की, और पैरेलल किसके, शिवालिक फुटहिल्स के। और उसके अलावा साउथ के भाबर में क्या आता है, तराई बेल्ट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 किलोमीटर की है, जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज होती हैं विदाउट एनी प्रॉपर्ली डिमार्केटिक चैनल, क्योंकि प्रॉपर्ली चैनल नहीं है, बट काफ़ी सारी रिवर्स यहाँ पे दोबारा दोबारा री एमर्ज हो रही हैं। साउथ ऑफ तराई में न्यू एलुवियल डिपॉजिट्स हैं भांगर एंड खादर। ये प्लेन्स के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे सैंड बार, मियांडर, डिफरेंट टाइप की लेक्स, ब्रेडेड चैनल्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब जो ये माउथ ऑफ दीज माइटी रिवर्स हैं, यहाँ पे बहुत जो वर्ल्ड के बड़े बड़े डेल्टाज हैं ना वो यहाँ पे बनते हैं। डेल्टाज क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ मान लो एक साथ मिल रही हैं, तो वो बहुत सारा सेडिमेंट, बहुत सारा डिपॉजिट अपने साथ इकट्ठा करती हैं, जो कि कैसा होता है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसकी फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पे ग्रोथ कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है, सुंदरबन डेल्टा। नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्री होता है उसको सुंदरी बोला जाता है, तो उससे इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा बना है, सुंदरबन डेल्टा बना है। अदरवाइज दिस इज फीचरलेस प्लेन। कुछ जनरल एलिवेशन इसकी कितनी है, 50 से 150 मीटर की सी लेवल की। स्टेट ऑफ हरियाणा दिल्ली एक वाटर डिवाइड फॉर्म करते हैं इंडस के बीच में और गंगा रिवर के बीच में, यानी कि इधर एक साइड गंगा बह रही है, एक साइड आपका इंडस बह रही है। और एज अपोज टू दी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है फ्लो होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, बिफोर इट टेक्स एन ऑलमोस्ट 90 डिग्री साउथवर्ड टर्न टू धुबरी बिफोर इट एंटर टू बांग्लादेश। मतलब एक तरीके से ना उसका रिवर का एक तरह से कोर्स बता रखा है कि किस तरीके से ऐसे जाएंगी ऐसे जाएंगी, फिर 90 डिग्री टर्न लेके किधर मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, क्योंकि ईस्ट साइड कौन है, बे ऑफ बंगाल।
काफी सारी बढ़िया बढ़िया क्रॉप्स होती है क्योंकि फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। कौन कौन सी क्रॉप होंगी यहाँ पे? वीट, राइस, शुगर केन, जूट। अब अगर एग्रीकल्चर अच्छा है तो वहाँ की पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। पॉपुलेशन क्यों अच्छी है? क्योंकि कहीं का अगर एग्रीकल्चर अच्छा है तो वहाँ पे ग्रोथ है। अब ग्रोथ है, अच्छा खाने को मिल रहा है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, ट्रेड भी बढ़ेगा वहाँ का, और डेवलपमेंट भी होगा। इस पार्ट को यहीं तक रखते हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा अगले वाले पार्ट में। तो अगले वाले पार्ट में हम ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसको खत्म कर देंगे इजीली। सो आई होप आपको क्लियर है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।